हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेम की सेकेंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें जनरली आपके टू पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट था इंटीग्रल कैलकुलस एंड सेकेंड पार्ट था वैक्टर कैलकुलस। तो वैक्टर कैलकुलस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर थ्योरम्स हैं, उनके ऊपर बच्चों कल मैंने वीडियो अपलोड कर दिए, जिसमें कि हमने वेक्टर कैलकुलस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स एंड जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या थ्योरम्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका फर्स्ट पेपर है, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड बुक का इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें जो आपके चैप्टर्स हैं, इनमें कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज में से कितना आता है, ठीक है, और किसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेज है और किसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट चैप्टर है आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। देखिए सबसे पहली बात तो बच्चों, बात करें फॉर्मूले की, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसके फॉर्मूले। कुछ चैप्टर्स में तो डेफिनेशंस और फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि जिनको आपको लर्न करना होता है और वो आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके फॉर्मूले एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो उस चैप्टर का आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स ये एक ऐसा ही चैप्टर है बच्चों, जिसके फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि इंटीग्रल कैलकुलस ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका आप किसी भी चैप्टर का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर तो एक है और मैम सभी फॉर्मूले की बात करें, सभी चैप्टर्स की बात करें, तो देखो बच्चों इस वाली बुक में जो आपके फॉर्मूले हैं फर्स्ट चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल में, तो इसके सभी फॉर्मूले मोस्टली कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपकी इंटीग्रल कैलकुलस इस कम्प्लीट बुक में काफ़ी टाइम्स यूज हुए हैं। जिन बच्चों ने कम्प्लीट सिलेबस कर लिया है उन सभी को पता होगा कि इनके फॉर्मूलों का कितने टाइम्स यूज हुआ है, ठीक है। बाकी मैं इस वाली वीडियो में एक बार डिस्कस कर दूंगी कौन से फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी फर्स्ट यहाँ पे आपको शो करके दिखाई गई, ये तो आप सभी इजीली कर लेते हो कि अगर कोई भी फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में दिया हुआ हो तो आप उसको टी की फॉर्म में या फिर किसी भी अदर वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको कोई भी एक इंटीग्रल दिया हुआ हो और उसमें आपको लिमिट क्या करनी हो, चेंज करनी हो, यानी कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट में और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज करना हो तो चेंज हो जाती है, लेकिन साथ में क्या आ जाता है, माइनस साइन भी आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ओनली इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, इनका प्रूफ आपको याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, ए टू बी दी हुई है। आपको इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे, कोई भी एक अदर नंबर ले लोगे आप तो उसको कैसे फॉर्म में लिखोगे, सपोज दैट हमने ए बी और तीसरा कोई भी एक वर्ड ले लिया सी, तो लिमिट कहां से कहां पे टेंड करेगी, ए टू सी पे और फिर सी टू बी पे, यानी कि इस कंप्लीट प्रोसेस में जो लिमिट टेंड करेगी वो कहां टेंड करेगी, ए टू बी पे टेंड करेगी, ठीक है, ए से स्टार्ट होके बी पे एंड होगी। इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको लिमिट क्या दी हुई हो, जीरो टू ए दी हुई हो और कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ हो तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, अगर लिमिट जीरो टू ए है तो फंक्शन में एक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हो, जो आपकी अपर लिमिट होती है उसमें से सब्सट्रैक्ट करके, यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर्टी फाइव क्या कहती है कि अगर आपको इंटीग्रेशन दे रखा हो, लिमिट कहाँ से कहाँ पर टेंड कर रही है, माइनस ए टू ए, यानी कि दोनों आपकी जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है दोनों सेम है लेकिन नीचे वाली माइनस में ऊपर वाली प्लस में है, तो इसमें बच्चों दो कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी, एक तो इवन के लिए और एक ओड के लिए। अब इवन और ओड के लिए क्या होती है, यहाँ पे देखिए ये वाली जो आपका इंटीग्रेशन है ये एक तो जीरो के भी इक्वल होगा और एक किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट जीरो टू ए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स में। इनके लिए दो कंडीशंस है इवन और ओड की। इवन और ओड क्या होते हैं, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर फंक्शन ऑफ एक्स में आप एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करते हो, फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करते हो, यानी कि यहाँ पे देखिए एक्स के प्लेस पे क्या पुट किया, माइनस एक्स, तो इसको सोल्व करने के बाद में अगर आप
आपका फंक्शन किसके इक्वल आ रहा है, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। तो इस कंडीशन में जो इंटीग्रेशन होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। और अगर फंक्शन इवन हुआ, इवन का मतलब क्या है कि अगर आपने एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स पुट किया लेकिन फिर भी फंक्शन क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपका इंटीग्रल है ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इस फॉर्म में लिखा जाएगा, और इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है। और ऑड फंक्शन हुआ तो डायरेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। भाई बच्चों, गले में आज टॉन्सिल्स वगैरह हुए पड़े हैं तो इस वजह से बोलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और इसी वजह से आज आपकी सेकंड सेम की भी वीडियो नहीं बनी है। तो इस वाली वीडियो में अगर आपको कहीं पे ऐसा लगे कि मैं कुछ बोल रही हूँ और आपको समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हुई क्योंकि मैंने ये सभी चैप्टर्स पहले आपको करवाए हुए हैं। उसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट क्या दी हुई हो, 0 to 2a, और फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डीएक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to a फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। ये कब हुआ, ये किस कंडीशन में हुआ, अगर आपको लिमिट क्या दी हुई हो, 0 to 2a दी हुई हो, लिमिट क्या दी हुई हो बच्चों, 0 to 2a दी हुई हो, और आप फंक्शन में क्या पुट करो, x के प्लेस पे 2a - x। अभी एक प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन अगर लिमिट 0 to a है तो उस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ a - x। तो सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, 2a - x पुट करेंगे, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट में से माइनस कर देंगे x को, और इसको सॉल्व करने के बाद में क्या है, फंक्शन ऑफ x आ जाए। तो इस कंडीशन में आपका ये वाला इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, 2 times ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x, और लिमिट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आप x के प्लेस पे क्या पुट करते हो, 2a - x पुट करते हो, और ये किसके इक्वल आए, माइनस फंक्शन ऑफ x के इक्वल आए, तो उस कंडीशन में ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर फंक्शन ऑफ x के इक्वल आए ये वाली वैल्यू, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन का डबल कर दोगे और अपर लिमिट को क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। और अगर माइनस फंक्शन ऑफ x के इक्वल आए तो क्या कर दोगे, इसको डायरेक्टली 0 के इक्वल पुट कर दोगे, और यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में इसमें बस 6 ही प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी ये रिमेंबर के लिए साइन है। तो इस वाले चैप्टर में ये सभी मैंने आपको टर्म्स इसलिए समझाई हैं क्योंकि बच्चों अभी तक अगर आपने बाकी के चैप्टर्स नहीं किए हैं या फिर कर लिए हैं तो आपको पता होगा कि इनका कितना यूज़ हुआ है, और नहीं किए हैं तो ये चीज़ बच्चों आपको ऐसी है कि याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपको इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी याद नहीं रही ना, तो आप ध्यान रखना कि किसी ना किसी क्वेश्चन में आप अटकोगे ज़रूर फर्स्ट पार्ट के। तो इसलिए इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लेना प्रॉपर्टीज़ को। रही बात इसमें एक्सरसाइज की, तो इसमें 3 एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने आपको कराए हुए हैं। सेकेंड एक्सरसाइज से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, और थर्ड एक्सरसाइज करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उससे क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। तो उसके बाद में चलते हैं बच्चों, और हाँ रही बात इसमें एग्जांपल्स की, तो देखिए बच्चों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर एग्जांपल्स मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि अब से पहले इस चैप्टर से बहुत कम पूछा जाता था बीएससी में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दूंगी यहाँ पे कि आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए या फिर ये वाला एग्जांपल कीजिए। आप इसमें जितने भी ज़्यादा हो सके एक तो सभी एग्जांपल्स कर लेना, और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं एटलीस्ट वो तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर है रायमन इंटीग्रल। सेकंड चैप्टर कौन सा है, द रायमन इंटीग्रल। तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है बच्चों कि मैं ये कह रही हूँ भेजा फ्राई करने वाला चैप्टर है, क्योंकि आप सभी के माइंड में, वैसे तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको ये चैप्टर समझाने की कोशिश की है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को आ भी गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अब भी आप में से ऐसे होंगे जिसको ये चैप्टर क्या लगता होगा कि मैम पता नहीं क्या रामकथा गा रही है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अरे चलो इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, अरे चलो इसको छोड़ देते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी से ही क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन बच्चों ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके डेफिनेशंस वगैरह बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर क्वेश्चंस ना आए तो डेफिनेशन आपकी इस चैप्टर से आ सकती है। रही बात डेफिनेशन कौन कौन सी होंगी, जैसे कि व्हाट इज़ द पार्टीशन, व्हाट इज़ द सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन, या फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी नॉर्म, या फिर मैश की, व्हाट इज़ नॉर्म, या फिर मैश के नियम से भी आपका आ सकता है। तो ये सभी डेफिनेशंस मैंने आपको वीडियो में अच्छे से समझाई हुई भी हैं और लिखाई हुई भी हैं,
तो आप वहाँ से इजीली कर सकते हो। ठीक है, रही बात इस चैप्टर को करने की, तो बच्चों अगर आप इस कंप्लीट चैप्टर को नहीं करना चाहते हो तो इस चैप्टर के ऊपर ही एक डायरेक्ट वीडियो बनी हुई है। जब किसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम थे तो मैंने इसके इस वाले चैप्टर के लिए कंप्लीट एक वीडियो बनाई थी, एंड इस वाले चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, थ्योरम्स हैं, या फिर एग्जाम्पल्स हैं, या फिर क्वेश्चंस हैं, वो सभी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, और अच्छे से समझाए भी थे। तो आप चाहें तो उस एक वीडियो को देख सकते हो, और अगर आपके पास में टाइम है तो इसके 2-3 लेक्चर्स होंगे, आप उनको भी इजीली देख के कवर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। बाकी इस चैप्टर को आपको नहीं देखना, अगर आप डायरेक्टली बुक से देखोगे तो दिमाग की हवा ख़राब हो जाएगी, आप सोचोगे कि पता नहीं क्या चैप्टर है, हमें नहीं पढ़ना। आप देख सकते हो इसमें रामकथा लिखी हुई है काफ़ी सारी, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर की जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, थ्योरम्स हैं, वो सभी मैंने आपको कराई हुई भी हैं, तो आपकी मर्जी है। चाहे तो आप जो 3-4 लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने सभी डेफिनेशंस, थ्योरम्स और एग्जांपल्स वगैरह कराए हुए हैं उनसे कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये आफत लगती है एक तरीके की तो आप उस एक लेक्चर से भी इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में थर्ड चैप्टर है डिफ्रेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इस चैप्टर को आप इजीली स्किप कर सकते हो, इससे क्वेश्चंस बनने के बहुत कम चांसेस हैं आपके, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हो। और अगर आपके पास में टाइम है और आप चाहते हो कि नहीं हमें तो ये चैप्टर करना ही करना है, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, एक एक्सरसाइज है, और एक एक्सरसाइज की भी मैंने बहुत कम क्वेश्चन है जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने आपको कराए हुए हैं। रही बात एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स इसमें 2-3 हैं, उनको कर लेना। ये तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ से देखिए। ठीक है, ये रहा ये, इसके बाद में इसका सेकंड एग्जांपल है, आप देख सकते हो। जो 2000 में कभी आया था, और 2013 में जो सिलेबस था वो चेंज हुआ था, और इस बार फिर से आपका एनपी के अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज हो गया है, तो उसके बाद में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन या फिर एग्जांपल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो इस चैप्टर को इजीली कर सकते हैं। एक आई थिंक एक ही वीडियो है, शायद से 2 वीडियो होंगी इस चैप्टर के ऊपर जो कि मैंने बनाई हुई है क्वेश्चंस की, तो आप चाहें तो वो क्वेश्चंस कर सकते हो, अदरवाइज इस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में फोर्थ चैप्टर आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इस वाले चैप्टर से ना ही कोई डेफिनेशन आएगी, ना ही कोई थ्योरम आएगी। हाँ जी, इस चैप्टर में टेस्ट हैं जो कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, इसमें डेफिनेशंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशंस याद नहीं है, आपको नहीं पता कि उनमें आपको बताया क्या गया है, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाओगी कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है। बाकी इस चैप्टर के ऊपर भी प्रॉपरली वीडियो बनी हुई है, अगर आपने कहीं और से किया है तो भी आपको आता होगा, वरना तो उन वीडियोज़ को देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चैप्टर की, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं, और इम्प्रॉपर और प्रॉपर दो टाइप के इंटीग्रल्स की बात हुई है। तो बच्चों जो आपका प्रॉपर इंटीग्रल होगा उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं है इस चैप्टर में, प्रॉपर इंटीग्रल प्रॉपर होता है। बात करें इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, तो उसके कई सारे काइंड्स हैं, जिसमें से कि जो आपका फर्स्ट काइंड है उसके ऊपर आपसे मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने के चांसेस होते हैं, या फिर पूछे भी जाते हैं। सेकेंड काइंड का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैंने उसके क्वेश्चंस आपको नहीं कराए हैं। तो आप में से मोस्टली 1 या 2 स्टूडेंट्स का जो है कमेंट आया था कि मैम सेकंड काइंड का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है आपने उसके तो क्वेश्चंस कराए ही नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही कराए हैं फर्स्ट सेम में, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसीलिए आप सिर्फ उनको कवर कीजिए, बाकी कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज इजी सी है, बाकी आप चाहें तो स्किप कर सकते हो फर्स्ट एक्सरसाइज को, क्योंकि इसकी ओनली सेकेंड एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बच्चों कई सारे टेस्ट जैसे कि कंपेरिजन टेस्ट हुआ, म्यू टेस्ट हुआ, एबल्स टेस्ट हुआ, तो इन टेस्ट को भी आपको क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। डायरेक्टली इसमें से टेस्ट पूछ ले कहता है कि व्हाट इज कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट वगैरह मैंने आपको लिखाया हुआ है। उसके बाद में बात करें म्यू टेस्ट की, तो म्यू टेस्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली क्वेश्चंस होंगे आपके एक्सरसाइज के वो म्यू टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट से ही सॉल्व होंगे, तो ये आपको टेस्ट अच्छे से याद होने चाहिए कि किस पर क्या प्रॉपर्टी लग रही है और किस पर क्या प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। ठीक है, और हाँ एक क्वेश्चन और आता है आपका कि मैम जो इसमें ब्रेक करना होता है इंटरवल को, जैसे कि इसमें क्या कहा है लिमिट a टू इन्फिनिटी होनी चाहिए और a की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन
ज़ीरो होनी चाहिए। और क्वेश्चंस में आपको क्या देगा, लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी देगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ब्रेक करना पड़ेगा किसको, लिमिट्स को। तो किस फॉर्मूले से आप ब्रेक करोगी, जैसे कि मैंने आपको अभी डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर में फॉर्मूला बताया कि लिमिट अगर कहाँ से कहाँ पर है, ए टू बी है, तो उसको कैसे ब्रेक करोगे आप, लिमिट ए टू सी प्लस लिमिट सी टू बी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ पर टेंड करेगी, करेगी तो ए टू बी पे, लेकिन उससे जो आपका इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको इन क्वेश्चंस में करना है। अगर आपको डायरेक्ट लिमिट क्वेश्चन में दी हुई है जीरो टू इन्फिनिटी, तो पहले आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे किस में, ज़ीरो टू ए और ए टू इन्फिनिटी में। इससे क्या होगा कि जो ज़ीरो टू ए होगा वो क्या बन जाएगा, आपका प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। और प्रॉपर इंटीग्रल ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई भी प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, आपका ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है। तो आपको जो टेस्ट करना होता है वो ओनली इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए करना होता है कि जो आपका इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। तो उसके लिए आपको लिमिट्स क्या चाहिए, ए टू इन्फिनिटी चाहिए। तो इसलिए आपको ब्रेक करनी पड़ेगी, और हाँ ब्रेक करके शो भी करनी पड़ेगी। कभी आप ये सोचो कि डायरेक्ट कर देते हैं मार्क्स नहीं कटेंगे, तो आपको वहाँ पे शो भी करनी ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ ये मत समझना बच्चों कि मैं ये इतना सारा बोल रही हूँ तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिनको आपको कोई भी नहीं बताएगा, या फिर अगर कोई बताएगा तो आपको डायरेक्ट क्लास के टाइम पे बताएगा, और इस चीज़ पे आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दोगी। तो इसलिए मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि आप जो मिस्टेक्स करते हो किसी भी चैप्टर को करते टाइम, वो मिस्टेक्स आप ना करो। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके जो फॉर्मूले हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कुछ भी है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि आपको उस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आए, तो अगर आपने क्वेश्चन भी नहीं किया, फॉर्मूले भी अच्छे से लर्न किए, तो भी आप उसको इजीली कर सको, ठीक है। उसके बाद में एबल्स टेस्ट आता है, इसके ध्यान रखना बच्चों, एबल्स टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्टेटमेंट है ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ओनली एक लाइन का स्टेटमेंट है इसका, तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी इसमें कोई भी जो आपका टेस्ट है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही मैंने आपको कराया, करने की ज़रूरत भी नहीं है, इस चैप्टर से इतना सफिशियंट है। उसके बाद में फिफ्थ चैप्टर आता है आपका बीटा एंड गामा फंक्शंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 4 तक आपको जितने भी मैंने स्किप करने के लिए बोले हैं, आप उनको चैप्टर्स हों या फिर टॉपिक्स हों, उनको आप स्किप कर सकते हो, जितना बताया उतना कर सकते हो। लेकिन अब जो चैप्टर्स चलेंगे 5 से आगे जितने भी चैप्टर्स आपके होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ चैप्टर है बीटा एंड गामा फंक्शंस। सबसे पहली बात, इसके जो चैप्टर का नेम है बीटा एंड गामा फंक्शंस, इनकी डेफिनेशंस ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं, और ये ही कई बार पूछ जाती है कि व्हाट इज़ बीटा फंक्शन या फिर व्हाट इज़ गामा फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए आपको बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन दोनों की डेफिनेशंस अच्छे से लर्न होनी चाहिए। उसके बाद में बात करें इस चैप्टर के फॉर्मूले की, तो बच्चों जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था डेफिनेट इंटीग्रल्स, मैंने क्या कहा था कि उसके जो फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट बुक में कई बार यूज़ होंगे, तो सिमिलरली इस वाले चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो भी बच्चों कई बार बहुत सारे चैप्टर्स में आपको इसी बुक के करली इस चैप्टर के फॉर्मूले भी बच्चों कई चैप्टर्स में आपके यूज़ हुए हैं। तो इसलिए आपको इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी अच्छे से लर्न रखने हैं। सपोज दैट पहला तो फॉर्मूला इसका यहीं पे, ये बीटा एम एन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 ^(n-1)^(n-1)). उसके बाद में एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, ये जो बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शंस की डेफिनेशंस हैं और जो इनकी फॉर्म है ना, ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपको कन्वर्ट करना होता है क्वेश्चन में, ठीक है। रही बात एग्जांपल्स की, एग्जांपल्स भी इसमें इंपॉर्टेंट है, एंड एक ही एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो सभी मैंने आपको कराए हुए हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना हो कि इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि ओनली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस या फिर आपके जो एग्जांपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, नहीं। अब जो जो मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगी ना, थ्योरम्स, वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, इसका आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट लर्न रखना है ओनली, इसमें इसका प्रूफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में बात आती है ये वाली, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, ये आपको अच्छे से लर्न रखनी है, जो इसका स्टेटमेंट है। उसके बाद में ये वाले जो दोनों फॉर्मूले हैं, इनका प्रूफ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई थिंक मैंने ये वीडियो में कराया हुआ है, ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली।
और अगर कोई टर्म समझ में ना आए तो पूछ लेना। उसके बाद में रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, इसमें आप लिख सकते हो बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। एंड आप इस लाइन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो बच्चों कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रूफ डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शो दैट द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस, कि बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच में जो रिलेशन है उसको शो करके दिखाई। तो ये इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसका भी क्वेश्चंस में यूज़ होगा एंड इसका प्रूफ भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है, इसके बाद में कॉरोलरी है बच्चे, कॉरोलरी भी आपको लर्न भी करनी है और इसका प्रूफ भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है एंड ये अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं मोस्टली। उसके बाद में एक है द वैल्यू ऑफ गामा 1/2 इज इक्वल्स टू √π, तो इसका प्रूफ और इसका स्टेटमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये जो वैल्यू है ना बच्चों गामा 1/2 इज इक्वल्स टू √π, ये अपने आप में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू है, इसका इस चैप्टर में भी और इससे अदर चैप्टर्स में भी कई बार यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रूफ जो है ये एंड हो गया। उसके बाद में बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज़ भी इस चैप्टर में भी और इससे अलग चैप्टर्स में भी कई बार हुआ है। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न रख लेना इसका ओनली। ठीक है, जितने भी बच्चों मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मूले वगैरह हैं या फिर डेफिनेशंस हैं या एग्जांपल्स हैं, सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एग्जांपल्स इसके कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों, बाकी एक दो एग्जांपल्स हैं उनको आप कर लेना, 8 एग्जांपल्स हैं मोस्टली, तो सभी को आप देख सकते हो। जैसे इसका थर्ड पार्ट मेरठ में आया हुआ है 2015 में और बुंदेलखंड में आया हुआ है 19 में, तो ये भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल अगर आपका 19 में पूछा जा चुका है तो इसको भी एक बार देख लेना। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे है और फिर यहाँ पे ऊपर। ठीक है, चलिए उसके बाद में इसमें ओनली एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, जिसमें क्या है मल्टीपल इंटीग्रल्स हैं या फिर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। तो देखिए इसमें जो आपके पार्ट्स हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट है, एक्सरसाइज फर्स्ट से पहले एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में भी आपका एग्जांपल फर्स्ट जो है बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको एक तो ये वाला एग्जांपल अच्छे से कवर कर लेना है। ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली कर सकते हो आप सभी एग्जांपल्स। ठीक है, इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चंस हैं उनको भी इजीली कर सकते हो। उसके बाद में एग्जांपल नंबर 2 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका। इन सभी का बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए अगर आपकी बुक में ना मिला करे तो। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसमें एग्जांपल नंबर 4 है। फाइव सिक्स एग्जाम्पल इसका रहने देना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। बच्चों आवाज़ आपको बहुत ही ज़्यादा कम आ रही होगी आज, क्योंकि तेज़ नहीं बोला जाता, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं आज के लिए आप सभी से। ठीक है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत। बाकी इस एक्सरसाइज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने अपनी वीडियो में कराए हुए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो एक्सरसाइज फर्स्ट के। तो इसके बाद में एक्सरसाइज 2 पे आते हैं, एक्सरसाइज 2 से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, बाकी जो भी ये आए हुए हैं ये मैंने आपको वीडियो में कराए हुए हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इस चैप्टर में, उसके बाद में एक्सरसाइज 3 से नहीं आते, एक्सरसाइज 3 को आप चाहें तो स्किप कर सकते हो, अदरवाइज जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं टाइम है और आपने कर रखे हैं तो आप रिवीजन कर सकते हो, इनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं किए हुए हैं, टाइमिंग भी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो एक्सरसाइज 3 को। एक्सरसाइज 4 इम्पॉर्टेंट है, इसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको कराए हुए हैं। देखिए बच्चों इस चैप्टर में ये वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जिसको आप करने बैठोगे ना तो आपके सर के ऊपर से जाएगी, जल्दी से आपको समझने में आने वाली नहीं है,
हालांकि मैंने समझाई हुई है, आपको आई भी है कुछ बच्चों को समझ में, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ये इजीली समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए चाहे तो आप इसका रट्टा मार सकते हो, ठीक है। जो भी इसमें एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको कराए हुए, मोस्टली इसमें से एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 17, ये आपका कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और एग्जाम्पल नंबर 15, तो आप चाहें तो इन एग्जाम्पल्स को कवर कर सकते हो। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको कराए हुए हैं, तो जो भी एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, बस आप इन 5 से 10 क्वेश्चंस को कर लेना, अगर एग्जाम में आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में इसी में चैप्टर नंबर 7 है, डिरिचलेट्स एंड लियोविलेज इंटीग्रल्स, तो इसमें भी बच्चों आपके जो ये चैप्टर का नेम है डिरिचलेट्स एंड लियोविलेज इंटीग्रल्स, तो एक तो इनका डायरेक्ट प्रूफ आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो दोनों का ही जो प्रूफ है वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। दोनों का प्रूफ अच्छे से कर लेना, डेफिनेशंस आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, और एक्सरसाइज तो इसकी ओनली एक एक्सरसाइज है जिसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे कि एग्जाम क्वेश्चन नंबर वन इंपॉर्टेंट है इसमें एक, तो बाकी इसमें बात करें एक क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, एक इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, ये आपका आया हुआ है 2019 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आप कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 रेक्टिफिकेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर आप इसको कह सकते हो, ईजिली हो जाएगा, लेकिन ईजी कब होगा ये, अगर आपको इसके फॉर्मूले याद हैं। डेफिनेशन थ्योरम्स इससे नहीं आएंगे, फॉर्मूले आपसे एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, फॉर्मूलों का प्रूफ वो भी नहीं आने वाला है, सिर्फ आएंगे तो क्या क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस किस पे बेस्ड होंगे, फॉर्मूलों पे। तो अगर आपको इसके फॉर्मूले याद हैं तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए आप इजीली कर सकते हो, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन हिलने वाला भी नहीं है, तो इसलिए आप सभी को क्या करना है, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो अच्छे से लर्न रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3, तो इसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4, 3 और 4, इसका अपने आप में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार जो आपके एक्सरसाइज हैं उससे क्वेश्चंस ना देके एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 तो आपसे मोस्टली पूछ लिया जाता है, कई बार ये वाला क्वेश्चन आता है फाइंड द लेंथ ऑफ द एस्टेरॉइड, ठीक है। तो आपको दोनों ही एग्जाम्पल्स, बाकी तो 4 एग्जाम्पल्स हैं, चारों ही कवर करने हैं, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है, इजी है। रही बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज 1 में जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, एक तो आपको ये अच्छे से कवर करना है, एक इसमें 6 का फर्स्ट पार्ट है, ये भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है बच्चों। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं वो सभी आप कर सकते हो। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 आता है, 5 एग्जाम्पल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये वाला एग्जाम्पल भी आपसे इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। एक्सरसाइज में बच्चों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर टिक नहीं लगवा रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सभी इंपॉर्टेंट थे कराए, ठीक है, बिना इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराया एक्सरसाइज में। उसके बाद में एक्सरसाइज 3 पे आते हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो, इसके वैसे तो 6 ही क्वेश्चंस हैं, बस ये दोनों क्वेश्चंस कर लेना सफिशियंट है। उसके बाद में जो इसके एक्सरसाइज 4 है, एक्सरसाइज 4 के जो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन है बच्चों, ये इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मान के चल सकते हो एक्सरसाइज 4 के 3-4 क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 3 का वो एक क्वेश्चन, एंड जो वो एग्जांपल बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल नंबर 3, 4 एंड उस एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, और एग्जाम्पल नंबर 5, तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन हैं जो कि मोस्टली जो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं के अंडर से आ जाएगा, अदरवाइज बाकी आप प्रैक्टिस इसके लिए तो सभी कुछ कर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सभी जितने भी मैंने आपको बताए इस चैप्टर से, इनको तो आपको अच्छे से कवर करना ही करना है, कोई भी नहीं छोड़ना क्वेश्चन। लास्ट चैप्टर आता है आपका वॉल्यूम एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, ये भी काफ़ी दिमाग खाऊ चैप्टर है एक टाइप से, आप ये मान के चल सकते हो, इसमें भी जल्दी से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन बच्चों फिर भी इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है वो मैंने छांट के कराने की कोशिश की हुई है, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। रही बात एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल नंबर 1
टू एग्जाम्पल नंबर थ्री ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं अपने आप में, तो इनको आपको अच्छे से करना है। और रही बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको कराए ही हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए बच्चों, इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है ओनली एक्सरसाइज वन, उससे ही आपके क्वेश्चन जो हैं वो लग जाते हैं। उसके बाद में जो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज इसमें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्टार्टिंग की जो एक दो एक्सरसाइज है इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी के साथ में एक है इसमें एग्जाम्पल नंबर फाइव, इसमें सिर्फ इक्वेशंस का वो है, जैसे कि इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है तब कैसे निकालोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में है तब कैसे फाइंड करोगी, और आपकी पोलर फॉर्म में है तब कैसे फाइंड आउट करोगी। तो इसी टाइप से बस इक्वेशंस चेंज हुई हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर फाइव इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर सकते हो ईजीली। मुझे फर्स्ट बुक में चैप्टर कराया हुआ है मैंने कर्व ट्रेसिंग, तो उसमें मैंने आपको सभी कर्व ट्रेस करने सिखाए हुए हैं, तो आप वहाँ से वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। और फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कर्व ट्रेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने आपको वीडियोस में बताया भी हुआ है कि कुछ इंपॉर्टेंट कर्व ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन कि आपको मैंने उसका कर्व ड्रॉ नहीं कराया और क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन सिर्फ जो है वो लिमिटेड एरिए से इस वाले चैप्टर में पूछे जाएंगे, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग के बाद ही आप ये वाला चैप्टर कर सकते हो, वॉल्यूम एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि पहले आपको इसमें कर्व ट्रेस करना होगा, उसके बाद में आप सॉलिड या फिर वॉल्यूम फाइंड कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगी कर्व की, तो आप क्या फाइंड करोगे, ठीक है। तो इसीलिए उस आपको पहले कर्व ट्रेस करने आने चाहिए। और कर्व ट्रेस करने नहीं भी आ रही तो आप माइंड में तो रख सकते हो कि अगर आपको कार्डियोइड की इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई हो तो मैम ने कर्व कैसे बता रखा है, दूसरी फॉर्म में दी हुई हो तो कर्व कैसे बता रखा है, कुछ और हो तो उसका क्या है, लैमनिस्केट है उसका क्या है, लैमनिस्केट हुआ, सर्कल हुआ, कार्डियोइड हुआ, इलिप्स हुआ, और आपका इसी टाइप से एक दो और होंगे कर्व्स, तो उन सभी के आप स्ट्रक्चर माइंड में रख सकते हो, चाहे वो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, कार्डिजन फॉर्म में हो या फिर पॉलर फॉर्म में हो, तो इजीली आप उनको कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम कर्व ट्रेस नहीं हुआ तो कैसे करेंगे। उसके बाद में एक एग्जाम्पल नंबर सिक्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कर लेना। सिर्फ इसमें मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ही कराए, क्वेश्चंस तो मैंने आपको फालतू कराए ही नहीं है। उसके बाद में एक है एग्जाम्पल नंबर टेन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर थर्टीन, ये यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन, उसके बाद में इसमें है एक एग्जाम्पल नंबर 15। और ऐसा नहीं है बच्चों, ये सभी एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए हुए हैं, कभी आप ये सोचो कि एग्जाम्पल्स हैं तो मैम ने नहीं कराए, बिकॉज इससे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए मैंने आपको सभी कराए हुए हैं। तो अगर कोई सा भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में थ्योरम्स हैं, पेपर्स और गुल्डिन थ्योरम, तो इनका ओनली स्टेटमेंट आपको लर्न रखना है, इनका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो प्रूफ आपका नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ में आपके वाला जो चैप्टर है, चैप्टर कह लो सेवन चैप्टर था, वॉल्यूम एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, ये कंप्लीट होता है। और इसी के साथ में जो आपकी फर्स्ट पार्ट था, सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट था, इंटीग्रल कैलकुलस ही था, तो ये आपका कंप्लीट होता है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी या फिर थ्योरम्स कह लो, थ्योरम्स इसमें ज़्यादा नहीं थी, टेस्ट मान सकते हो कि जो टेस्ट थे या फिर डेफिनेशंस थे, एग्जाम्पल्स थे, क्वेश्चंस थे, वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। एंड हाँ बच्चों, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस करने हैं, मेरा पर्पस ये है कि आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही बिल्कुल करके जाने हैं। आप ये मान सकते हो कि
कल आपका पेपर है, तो आज जो आपको पक्का रिवीजन करना है वो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस का तो करना ही करना है। इसमें से आपका दो चार क्वेश्चंस फंस ही फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोल रही कि कंप्लीट पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस में से पेपर के अंदर आएगा ज़रूर, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए आपको ये सभी अच्छे से करने हैं, बाकी जो फॉर्मूले वगैरह हैं उनसे आपकी हर एक क्वेश्चन में हेल्प होगी, इस चीज़ की भी बच्चों फुल ऑफ गारंटी है। तो इसीलिए जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए ये सभी आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो में अगर कोई लाइन ऐसी आई हो जो मेरे बोलने में प्रॉब्लम हुई हो तो भाई उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आया बोलने में, क्योंकि बोलने में मुझे आज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।